अधिक आलोचना पे आम सहित लंडन जोड़ी होती डॉक्टर भाग्यश्री मिश्र जोड़ी होती। डॉक्टर मिश्र आपन को स्वागत करुच्छे आलोचना को अर्गस को स्वागत करुच्छे। ब्लैक फंगस प्रकृत में केते गुरुतर एवं केते बड़ डेंजरियस रोग कहा जाए पारे एवं जो भाई अनुपात में देश में यहाँ नहीं आतंक प्रकाश पाई तार मुकाबला के भाई कर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करिथबारु। मु ओडिसावासी समस्त को मोर नमस्कार। मु अर्गस रे आगुर भी आछी डॉक्टर भागेश्री सिंह टिके क्लियर करि दउची। देखंतु एबे तो मु जेंति कि हमें न्यूज पाइलु ब्लैक फंगस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज गोटे एपिडेमिक, माने एपिडेमिक भाव रे हमर आईसीआर आउ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ताकु डिक्लेयर करिछंती। माने एपिडेमिक माने कौन, माने एपिडेमिक माने जिते बड़े गोटे जगार गोटे डिजीज टिकी रोग टी बहुत मात्रा रे जिते बड़े बढ़ी जाए था तार नंबर मात्रा जिते बड़े बहुत बढ़ी जाए था सेते बड़े आमे ताकु ना दो एपिडेमिक। आउ जिते बड़े विश्व रे बहुत गोटा देश रे स्प्रेड करे सेते बड़े आमे को पैंडेमिक। तेणु कोरोना वायरस टा आमर पैंडेमिक, किंतु ब्लैक फंगस टी एते वर्तमान बढ़ी जाइछि कि सेति पई ताकु डिक्लेअर करा गला एपिडेमिक। तेणु आगुरु भी गत थर जमी मुझे मानते इटा गोटे एमती ना ये गोटे इवन दो इट्स अ रेयर मानते फंगल डिजीज, किंतु इटा आगुरु साधारण तो फंगल इन्फेक्शन आगुरु भी देखा जाए मोस्टली मानते ईएनटी स्पेशलिस्ट मानते बेसी इटा को देखती। किंतु वर्तमान टाइम रे जेहेतु आमर मानते मेन रीजन यार दुई तीन टा गोटे कि जोटा मानते कोविड समय रे आमर जो इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति टी बहुत कमी जाउची लोकंकर सेइटा गोटे ब्रीडिंग ग्राउंड ही जाउची, माने जो गोटे सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हबार चांसेस टा बढ़ी जाउची। द्वितीय कथा हैला जो स्टेरॉइड इनटेक, माने जेहेतु कोविड रो सेकेंड फेज माने जेतले कोविड रो इन्फ्लेमेशन टा बहुत बेसी थाए आम शरीर रे सेतेबेले स्टेरॉइड इनटेक टा बहुत बढ़ी जाइछि आम देश रे। तेणु स्टेरॉइड टा गोटे मेन जोटा कारण बनी जाइछि ए जो ब्लैक फंगस पई। ता छडा आमर भारत वर्ष जोटा को आमे कहू डायबिटिक कैपिटल, माने भारत वर्ष रे डायबिटीज रोगी माने बहुत बेसी अछंती। तेणु डायबिटीज माने विश्व रे जोटा जो रिसर्च करा हेछि ब्लैक फंगस उपरे सेटा देखा जाइछि तादरु 30-30% माने मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रे डायबिटीज रहूछि। तेणु ए सब गोडा सब जो फेवर ब्लैक फंगस साधारण लोकपर प्रथम क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न सहित आसल करोना आक्रांत होता डायबिटीज रोगी ब्लैक फंगस अधिक देखा ना समस्त प्रकार जो मैंने करोना आक्रांत होते समस्त ब्लैक फंगस देखा जाए। आपनकर जो प्रथम क्वेश्चन केवल माने सेटा मे बी थिला पूर्वरु, किंतु जेहेतु एटा गोटे एपिडेमिक डिक्लेअर हेलाणी केवल कोरोना पेशेंट नै अन्य माने भी जेहेतु एटा टिके बेसी स्प्रेड कलाणी अन्य माने जो माने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट ता माने जो माने गोटे लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक खाउचंती किंबा लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड रे अछंती, साधारणत जो मानकु रिमेटॉइड आर्थराइटिस से माने इंतिरे भी स्टेरॉइड खांती तांको डेली एज अ डेली मेडिकेशन। तेणु माने जो आउ की जहां को कैंसर कि जो माने गोटे केमोथेरेपी ग्रहण करुचंती तो एही सब माने लोक मानको कि पेशेंट को कोविड न भी होइथिले तांकर गोटे आशंका रहूची हबार ए ब्लैक फंगस रो, तो एही पेशेंट माने बहुत सतर्क रहिबा कथा। आपनकर जो क्वेश्चन टी जो डायबिटीज कथा कहिले जेमती कि मु कहिली कि माने जरूरी नाही कि खाली जण को जदी कोविड आक्रांत होइतिबे आउ डायबिटिक तांकु ही होबार चांसेस अछि। ऑब्वियसली सेही केस रे चांसेस टी बहुत बढ़ी जाए, किंतु जदी साधारण तो जो मानकर अनकंट्रोल डायबिटीज माने जहार सुगर टा बनाम आमर रक्त रे कंट्रोल रे नाही सेही केस रे कोविड न भी हेले टिके तांकर आशंका टा वर्तमान समय रे बहुत बढ़ी जाइछि। तेणु सेही पेशेंट मानको बहुत सतर्क ओके। डॉक्टर सिंह अनेक गणमाध्यम रे आ प्रकाश पाउछ अनेक जर्नल रे मध्ये सामना को आसुचि जे ब्लैक फंगस रो मृत्यु हार बहुत अधिक रहउछि, प्रकृत रे या कोन एते गुरुतर रोग जे मृत्यु हार बहुत अधिक रहउछि ना ताको टिक अधिक हाइप करा जाउछि वर्तमान समय रे। देखो तो हाइप टे टिके हेई छि माने डेफिनेटली जेहेतु वर्तमान सिचुएशन रे इटा आसी छि सेति पई बहुत हाइप हेई जाउ छि गोटे भयाबह माने डरटा लोक मानकर बहुत रही जाइ छि केबे केबे इटा टिके बेसी भी हेई जाउ छि न भी हितले लोक बहुत पैनिक होचंती। तेणु एथरे पैनिक हबार कथा नुहे किंतु किंतु ता माने नुहे कि आमे इटा को गोटे लाइटली नबा, कारण माने यार सिवियर फॉर्म रे जेते बेले हुए जो आमे को नेक्रोसिस आउ गैंग्रीन होइथाय माने गोटे जागाटा माने डेड
ମରିଯାଏ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ରିମୁଭ ବି କରେ ଯୋଉ ଡେବ୍ରାଇଟମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ହନୁହାଡ ଯୋଉ ଚିକ୍ ବୋନ୍ସ ରେ ହୋଇଯାଏ ତ ତାକୁ ପୁରା ରିମୁଭ କରିବାକୁ ପଡେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମାନେ ପାନିକ ତ ହବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଲାଇଟଲି ବି ନବା କଥା ନୁହେଁ ଡକ୍ଟର ସିଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଭଳି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତି ରୋଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ରୋଗ ବା ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଇଯିବା ବହୁତ ଭଲ ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି କି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଇପାରିବେ ନା ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଥିବ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ହିଁ ରହିବ ନା ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତାର ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଏମିତି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡା ସବୁର ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମେଜର ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି ଆଉ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କି ସଫା ସୁତୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏମିତିରେ ବି ଆମର ମାନେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହାଇଜିନ୍ଟା ଆମର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପିରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମିଡି ଫାୟର ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ସଫା ପାଣିଟା ମାନେ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ଛଡା ଘରେ ବି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ରହିବେ ଡେଲି ଯେତେ ଆପଣ ସଫା ସୁତୁରାଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ସେତେ ୟାଧୁରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବା ତା ଛଡା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରକ୍ତରେ ସୁଗରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଇଟାକୁ କରେ ସେଇ ଗୁଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଫାସଫି ରହିବା ଏସି ଫେସି କୁଲର ଫୁଲର ୟୁଜ୍ କଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫା କରିବା ଯୋଉମାନେ ମାଟି ଫାଟିରେ କାମ କରନ୍ତି ଗାର୍ଡେନିଂ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତି ମାନେ କନସିୟସ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ରୋକିପାରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସିଂ ଲଣ୍ଡନରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କେତେ ଭୟଙ୍କର କେତେ ମାରାତ୍ମକ